Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Story Circle. This is the part 2 of the chapter Sir Lolly's Ghost. So if you have not watched part 1 of this chapter, then go to the playlist and watch part 1 and then come to this video. So हम इस part में वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने part 1 में छोड़ा था, ठीक है? तो चलो start करते हैं. Let's start reading out our story. On the night of the ghostly visit, जिस रात वह भूत विजिट करने वाला था, जिस रात वह भूत डॉर्मेट्री में आने वाला था, रुस्तम woke up with a start and realized he had overslept. रुस्तम एकदम तैयार होते हुए जगा और उसे लगा कि वह ज़्यादा देर के लिए सो गया था. He felt under his bed. उसने अपने बेड के नीचे किसी चीज़ को महसूस किया. फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना. उसने कुछ महसूस किया अपने बेड के नीचे. येस द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वॉज देयर. और हाँ, जो पिलो उसने तैयार किया था अर्जुन को डराने के लिए, वो वहीं पे था. एंड इट वॉज स्टिल डार्क. और अभी भी अंधेरा था, मतलब रात अभी बाकी थी. He was about to tiptoe out of bed. अब देखो, tiptoe का मतलब होता है अपने पैरों की उंगलियों पर चलना, मतलब इस तरह से चलना कि पैरों का आवाज़ ना आए, पैरों से साउंड ना आए, मतलब चलने का आवाज़ ना आए. तो वह अपने tiptoe मतलब वह चुपके से अपने बेड से बाहर निकलने वाला था, निकल ही रहा था. When a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. जब वह अपने बेड से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक जाने पहचाने से ग्रेटिंग मतलब अनप्लीजेंट साउंड, जो कि साउंड बहुत ही डरावना होता है, इस तरह के साउंड ने उसे वार्न किया. और उसे ऐसा लगा कि डॉर्मेट्री का जो गेट है वह खुल रहा था, ओपन हो रहा था. वॉज इट द हाउस मास्टर? अब रुस्तम यहाँ पर सोच रहा था कि क्या ये जो आवाज़ है ये हाउस मास्टर का है. Whom did the soft footsteps belong to? और ये जो soft footsteps है ये किसका है? When he discovered the cause of the footsteps, और जब उसने इन footsteps के कारण का पता लगा लिया, icy prickles of fear crept down his spines. तो डर की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लग रहा था कि कोई सुई चुभ हो रहा था, कोई icy prickles. prickles means होता है सुई. तो ऐसा लग रहा था कि डर के वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई सुई चुभ हो रहा था. फॉर एडवांसिंग स्लोली इनटू द डॉर्मेट्री वॉज अ ब्लड स्टेन्ड पिलो. और जैसे ही वह धीरे धीरे डॉर्मेट्री में आगे बढ़ा उसने एक खून से सने हुए तकिए को देखा. होल्डिंग इट वॉज अ हिडियस पेयर ऑफ घोस्टली वाइट हैंड्स made more terrifying by the fact that they weren't attached to any figure. अब यहाँ पे वो क्या देखता है कि उस तकिए को एक अगली पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब hideous means होता है एक्सट्रीमली अगली, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत, बहुत ही ज़्यादा गंदा. उसने देखा कि एक वाइट पेयर ऑफ हैंड्स ने उस तकिए को पकड़ रखा था. और उसे इस बात ने और ज़्यादा हैरान कर दिया कि ये जो पेयर ऑफ हैंड्स था वो किसी फिगर से, मतलब किसी चीज़ से, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे हाथ था, दूसरे बॉडी पार्ट्स नहीं दिख रहे थे, है ना? तो उसे इस बात ने और ज़्यादा हैरान कर दिया. रुस्तम्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड, मतलब रुस्तम बहुत ही ज़्यादा डर गया, वो एकदम डर की वजह से जम गया था. एम आई एक्चुअली सीइंग अ घोस्ट ही वंडर्ड. अब रुस्तम यहाँ पे सोचने लगा कि क्या मैं सचमुच में एक भूत देख रहा हूँ? घोस्ट, हाँ सचमुच में मैं एक भूत देख रहा हूँ. फियर हैड टर्न्ड रुस्तम्स वॉइस इनटू अ फीबल स्क्विक. फीबल मीन्स होता है कमज़ोर और स्क्विक मीन्स होता है किकियाना मिमियाना, मतलब डर के वजह से उसकी आवाज़ बैठ गई थी और वह अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, है ना? देयर इज़ अ घोस्ट. उसने फिर से कोशिश किया चिल्लाने की कि वहाँ पर एक भूत है. ही ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम अ फ्यू स्लीपी हेड्स स्टीयर्ड अवेक. और देखो स्लीपी हेड्स मीन्स होता है सोए हुए लोग. तो इस बार उसने फिर से ट्राई किया बोलने का, चिल्लाने का कि वहाँ पर एक भूत है. और इस बार उसकी आवाज़ ने कुछ सोए हुए बाकी जो बच्चे थे, बाकी जो स्टूडेंट्स थे उस डॉर्मेट्री में, वे जग गए. सीइंग द ब्लडी पिलो, मतलब इस खून से लगे हुए तकिए को देखकर The boys assumed Rustam's plan was working. बाकी दूसरे लड़कों को लगा कि रुस्तम का जो प्लान है अर्जुन को डराने का वो काम कर रहा है. Some of them even giggled. और इस बात को देखकर, इस इंसिडेंट को देखकर उनमें से कुछ लड़के हंसने भी लगे. Giggle means होता है हंसना. There was so much confusion. और बहुत सारा confusion था. No one noticed that Rustam was sitting rigid and horror struck on his bed instead of being outside the dormitory steering the pillow with the long broomstick. अब इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि रुस्तम एकदम डर से सहमे हुए अपने बेड पर एकदम रिजिड बैठा हुआ है, इसके बजाय कि वह बाहर निकलता, डॉर्मिटरी के बाहर निकलता और तकिए को उस ब्रूम स्टिक में लगाकर उसको चारों तरफ घुमाता, क्योंकि प्लान यही किया गया था कि हम लोग उस तकिए को एक ब्रूम स्टिक में लगाएंगे और डॉर्मिटरी में चारों तरफ घुमाएंगे जिससे अर्जुन डर जाए. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. वो अपने बेड पर डर से सहमे हुए बैठा हुआ था और तकिया चारों तरफ घूम रहा था. तो ये एक्चुअल में इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है. The screams continued for a long time even after the pillow had retreated from the dormitory. और डॉर्मिट्री में ये चीख चिल्लाहट लंबे समय तक चलते रहा, इसके बाद भी कि वो तकिया वहाँ से चला गया था. मतलब उस तकिए के उस डॉर्मिट्री से चले जाने के बाद भी ये लड़के बहुत देर तक चीखते चिल्लाते रहे थे. दैट वॉज व्हेन द बॉयज़ फाइनली टर्न देयर अटेंशन टू अर्जुन. और फिर इतना सब होने के बाद लड़कों ने अपना अटेंशन, अपना ध्यान किसकी तरफ मोड़ा? अर्जुन की तरफ. His eyes had turned saucer-shaped with horror. देखो saucer means होता है एक ऐसा प्लेट, एक ऐसा कटोरा जिसमें हम चटनी रखते हैं, सॉस को रखते हैं. तो मतलब डर की वजह से अर्जुन की आंखें जो थी एकदम कटोरे की जैसी हो गई थी, एकदम कटोरी की जैसी हो गई थी. As for Rustam, और जहाँ तक रुस्तम की बात है, they felt his acting was simply superb. बाकी लड़कों को लगा कि जो अर्जुन का जो रुस्तम का जो एक्टिंग है वो एकदम सुपर, एकदम झकास है, बिंदास है. ही एक्चुअली हैड गूज बम्प्स ऑन हिज आर्म्स एंड हिज टीथ डिडंट स्टॉप चैटरिंग टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. और रुस्तम के आर्म्स पे, उसके बाजू पे गूज बम्प्स आ रहे थे. मतलब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी दांतें किटकिटा रही थी. मतलब चैटरिंग मीन्स होता है कट कट की आवाज़ करना, है ना. तो डर की वजह से अगले सुबह तक उसको गूज बम्स आ रहे थे और वो अपने दांतों को चैटर कर रहा था. जब इंसान कांपता है, सीवियर करता है, तो उसकी दांत चैटर करने लगती है, कट कट की साउंड आने लगती है दांत से. हाउ वेयर दे टू नो दैट देयर परफेक्ट वाजंट एक्टिंग एंड दैट हिज फियर वॉज टोटली जेन्युइन. और बाकी बच्चों को, बाकी लड़कों को ये कैसे पता चलता कि उनका जो परफेक्ट है, मतलब उनका जो हॉस्टल इंचार्ज है, डॉर्मिट्री का जो इंचार्ज है रुस्तम, वह एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उसका जो डर था वो बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल एकदम करेक्ट था. वह सचमुच में बहुत ज़्यादा डर गया था. पुअर रुस्तम, बेचारा रुस्तम. ही वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द ड्रेडफुल विजन ही हैड सीन. और वह उस मेमोरी, उस ड्रेडफुल, उस भयानक दृश्य को याद करके डर गया था. That spooky pair of hands, मतलब spooky means होता है भूतहा, डरावना. उस डरावने हाथ को देखकर he shivered at the thought, मतलब उस डरावने हाथ को देखकर, उसके बारे में सोचकर भी वह क्या करने लगता था? शिवियर करने लगता था, कांपने लगता था, शिवर करने लगता था. Some days later, कुछ दिनों के बाद, रुस्तम went to the kit room. रुस्तम कहाँ पे गया? किट रूम में गया. Where all the washed clothes and uniforms were stored, जहाँ पर सभी धोए हुए कपड़े और यूनिफॉर्म्स रखे जाते थे. As he was picking up a clean shirt, जब वह एक धोया हुआ कपड़ा, एक clean shirt को वहाँ से चुन रहा था, ले रहा था. He overheard. अब देखो overheard का मतलब होता है जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं और आप उनकी बात को चुपचाप सुन लेते हो, सडनली सुन लेते हो, जब आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप उनकी बातों को सुने, उसको कहा जाता है overheard. तो उसने ओवरहर्ड किया. ही ओवरहर्ड द मैट्रन स्कोल्डिंग द स्कूल्स वॉशरमैन फॉर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स प्रॉपर्ली. तो उसने मैट्रन को देखा, मतलब हॉस्टल में जो मेड थी, जो आया थी, वो डांट रही थी स्कूल के धोबी को कि वह कपड़े को अच्छे से, प्रॉपर्ली ढंग से धो नहीं रहा है, उस कपड़े को अच्छे से साफ नहीं कर रहा, वॉश नहीं कर रहा है. There are muddy streaks on these sheets and this pillowcase has huge stains on it, the matron complained. अब मैट्रन क्या कंप्लेन कर रही थी धोबी से, उस वॉशरमैन से, कि देखो इन सीट्स पे, मतलब जो बेड सीट्स थे उन पे मडी स्टिक्स, उन पे कीचड़ लगे हुए थे और इस तकिए के खोल पर बहुत से धब्बे लगे थे, बड़ा सा, मतलब ह्यूज स्टेंस, मतलब बड़ा सा धब्बा लगा हुआ था, दाग लगा हुआ था. व्हाट कैन आई डू मैडम, दी धोबी डिफेंडेड इज वॉशिंग. धोबी अपने काम को डिफेंड करते हुए बोला कि मैडम मैं क्या कर सकता हूँ. That pillowcase had huge patches of red ink on it. कि उस तकिए के खोल पे मतलब रेड इंक का बहुत बड़ा सा धब्बा लगा हुआ था. You know how difficult it is to wash off red ink. और आप जानती हैं कि रेड इंक को वॉश करना, उसे धोना, उसे साफ़ करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है. रेड इंक ऑन अ पिलो केस. अब मैट्रन यहाँ पे चौंक जा रही है, बोल रही है कि अच्छा पिलो केस पे रेड इंक, ये कैसे हो गया. रुस्तम फ्रोज, और इस बात को सुनकर रुस्तम फिर से डर गया, एकदम सहम गया. Was this the pillowcase that had been bloodied with the red ink to become the ghostly pillow? अब रुस्तम ये सोचने लगा कि क्या ये वही खोल है, वही तकिए का खोल है, वही पिलोकेस है जिसपे हमने रेड इंक लगाया था इसको भूतिया बनाने के लिए ताकि हम अर्जुन को डरा सकें. Every student at Lolly's was expected to mark their name on all items of clothing, so it wouldn't be difficult to trace the pillowcase's honor. और Lolly's बोर्डिंग स्कूल में ये रूल था कि सारे बच्चों को, सारे लड़कों को अपने क्लोथिंग आइटम्स पे अपना नाम लिख देना था ताकि ज़रूरत पड़े तो उन कपड़ों के ऑनर को, उन कपड़ों के मालिक को आसानी से ढूंढा जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर इस पिलो केस के ऑनर को भी ढूंढना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसके पिलो केस पे नाम भी लिखा हुआ था. द मैट्रन सीम टू हैव द सेम आइडिया. और स्कूल की जो मैट्रन थी, आप देख सकते हो यहाँ पर इस धोबी को डांट रही है ये मैट्रन, और यहाँ पर ये हमारा रुस्तम है जो छुपकर इनकी बातों को सुन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रन को भी वही आइडिया सुझा कि मैं क्या करूँगी, इस पिलो केस पर इसके ऑनर के नाम ढूंढूंगी और फिर मैं उसे पता करूँगी कि मैटर क्या है. फॉर शी स्नैच द पिलो केस फ्रॉम द वॉशरमैन एंड एग्जामिन इट. और यही सोचकर उस मैट्रन ने क्या कर लिया, उस तकिए के खोल को उस धोबी से छीन लिया और उसे देखने लगी, उसका निरीक्षण करने लगी. अर्जुन, she exclaimed angrily, seeing the new boy's name marked on the pillowcase. अब उन्होंने देखा कि उस पिलो केस पे, उस तकिए के खोल पे क्या नाम लिखा हुआ था, अर्जुन लिखा हुआ था, जिसके वजह से गुस्सा हो गई और उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, अर्जुन का नाम लिया. दिस बॉय इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स. कि यह लड़का दिन प्रतिदिन बुरा हो रहा है और बुरा हो रहा है, मतलब यह बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है. Last week there was a complaint that he had taken a pair of white gloves from the band room and stuffed them with the clay from the sculpture room. कि पिछले सप्ताह भी उसके बारे में कंप्लेन आया था कि उसने बैंड रूम से पेयर ऑफ दो वाइट ग्लव्स चुरा लिए थे और मूर्ति वाले रूम से उसके ऊपर मिट्टी को चिपका दिया था. The clay had dried in the gloves to make it look like a pair of white hands. और उस ग्लव में जो मिट्टी था वो सूख गया था और उस मिट्टी के सूख जाने के वजह से वह ऐसा लग रहा था कि वह पेयर ऑफ वाइट हैंड्स हो, दो सफ़ेद हाथ की तरह दिख रहा था, वाइट हैंड्स की तरह दिखने लगा था. Suddenly she noticed the perfect standing there. और अचानक से वो मैट्रन देख रही है कि वहाँ पर कौन खड़ा है, परफेक्ट खड़ा है, मतलब रुस्तम खड़ा है. एब्सोल्युटली स्टिल एंड पेल फेस्ड, बिल्कुल चुपचाप स्थिर और उसके जो चेहरे थे वो एकदम पीले पड़े हुए थे. एंड आस्ट, और इतना सब देखने के बाद वो मैट्रन पूछ रही थी, उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है रुस्तम, व्हाट्स द मैटर रुस्तम, यू लुक लाइक यू हैव सीन अ घोस्ट, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया है. रुस्तम was actually having some very unperfect like thoughts. और इतना सब देखने के बाद रुस्तम के मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे थे, वह अजीब तरह के थॉट्स में मशगूल था. दैट चीकी rascal अर्जुन. अब उसके मन में ये आया कि मैंने नहीं डराया है, अर्जुन ने मुझे डराया है। उसने इन सब को देखने के बाद वह उसे पता चल गया कि मेरा प्लान मेरे ही ऊपर भारी पड़ गया, मतलब रुस्तम का प्लान रुस्तम के ऊपर ही भारी पड़ गया। मतलब उसने सोचा था कि वह अर्जुन को डरा देगा, लेकिन अर्जुन ने ही उसे डरा दिया। तब यहाँ पे चीकी मीन्स होता है गुस्ताख, बदमाश। बट ही ओनली शुक हिज हेड एज ही मम्बल्ड, लेकिन रुस्तम ने उतने खुल के मैट्रन के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने सिर को हिलाया और थोड़ा सा बुदबुदाया। सीन अ घोस्ट, और मैट्रन ने फिर से पूछा कि क्या तुमने कोई फिर ये बोल रहा है रुस्तम कि नहीं, क्या भूत देखा है मैंने? कोई नहीं। ओ नो मैम, अरे मैम नहीं, मैंने कोई भूत नहीं देखा। इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैवंट, कि मैं सचमुच अगर सच कहूँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, मैंने कोई भूत नहीं देखा है, मैंने कोई घोस्ट नहीं देखा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसको टू पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है और ये चैप्टर लिखा गया था आशा नेहेमिया के द्वारा। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।